कंप्यूटर सेंटर में लगी भीषण आग व्यवसायी को दी जा रही थी धमकी। आपको बता दें, धनबाद जिले के बैंकपुर इलाके में गीता टावर स्थित जाजरिया कंप्यूटर सेंटर में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं कंप्यूटर सेंटर के मालिक विकास अग्रवाल को बीते दिनों फोन पर लगातार धमकी मिल रही थी। होटल वाले जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, विशेषकर सामने में मुन्ना होटल वाले, और इस बिल्डिंग में हमारे जो गार्ड रहते हैं अनिल जी, जिनकी तत्परता के कारण ये बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। हम लोग को ऐसा लगता है, अगर समय से हम लोग को जानकारी नहीं मिलती तो आज नुकसान काफ़ी लंबा होता, जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता। चूँकि ये एक बहुत ही अच्छा और सभ्य मोहल्ला है और हम लोग यहाँ पे अपना व्यापार भी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन यहाँ पे जैसे रात में जो घटना घटी, करीब 1:30 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली और बैंक मोड़ थाना ने भी बहुत तत्परता से तुरंत जो है वो अग्निशमन को सूचना दी और करीब करीब लगभग 1:45 के आसपास करीब करीब 3 दमकल गाड़ियाँ आई और जो समय रहते आग पर काबू पाया गया। आपकी भी दुकान के अंदर है क्या? हाँ, इसमें भी कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, मेरी दुकान में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ एक दुकान ये सामने में जो सर्विस सेंटर के रूप में झांझरिया कंप्यूटर की थी, इसी में नुकसान हुआ। और ये काफ़ी हद तक समझिए कि सब लोगों की इसमें हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ के लोगों को, जिनकी तत्परता के कारण ये बड़ी घटना होने से बच गई। लेकिन पिछले दिनों जो झांझरिया कंप्यूटर के मालिक हैं, उनको धमकी दिया गया था PLFI की तरफ से, उसका कोई कनेक्शन है क्या इसमें? देखिए, वो अलग मामला है और ये बिल्कुल अलग मामला है, उसको इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि व्यवसायी तो मान लीजिए दहशत में थे ही, लेकिन ऊपर से एक ये नई घटना और आ गई तो एक सर पे एक अलग से एक वर्डन आ गया, तो काफ़ी चिंता का विषय है। और हम लोग बहुत इस घटना की निंदा भी करते हैं और मांग भी करते हैं कि देखिए, जो पिछली बार जो घटना हुई है उससे अभी तक व्यवसायी उबर नहीं पाए थे और अपने आप को काफ़ी मतलब असहाय महसूस कर रहे थे और अपने आप को असुरक्षित भी महसूस कर रहे थे। उसके बाद अभी तुरंत में ये घटना घटी, जिसके कारण एक पूरा परिवार भी जो है पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन का आज की जो घटना हुई है रात में, इसमें बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है, जिसके कारण घटना बड़ी घटना होने से टल गई। लेकिन पूर्व में जो घटना हुई है, अभी तक उसका कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। हम लोग यही मांग करेंगे कि व्यवसाय सुरक्षित रहे और प्रशासन उसको सुरक्षा प्रदान करे। अपना परिचय दे। जितेंद्र अग्रवाल, व्यवसायी, धनबाद। ठीक।